हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इफ्सास टॉय स्टार। तो गाइस, आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ जमशेदपुर के टॉप 10 बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल। तो नंबर 1 पे आता है मलखान सिंह पूजा पंडाल, जो कि बेस्ट है आजादी के अमृत महोत्सव पे। इस जी हाँ, इस पंडाल को सजाया गया था ट्राई कलर से, चारों तरफ ट्राई कलर्स दिख रहे थे। मेरा भारत महान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह से माता दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ इन सब के भी स्टैचूज बनाए गए थे, पोस्टर्स लगे हुए थे, जो बिल्कुल पूरी तरह से ट्राई कलर में नहलाया हुआ लग रहा था। और ये देखिए, यहाँ की जो लाइटिंग थी वो भी ट्राई कलर से थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत। सेकंड नंबर पे आता है एस टाइप आदित्यपुर का पूजा पंडाल, जो कि गिटार के जैसा बना हुआ था। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, इसे बनाने में महीनों लगे हैं। अंदर पंडाल के भी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बने हुए थे। यहाँ की जो दुर्गा माँ की मूर्ति थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। थर्ड नंबर पे आता है कासीडी साक्षी का, जो कि नारी सशक्तिकरण पे बेस्ड थीम पंडाल था, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए अंदर के व्यू कितने खूबसूरत हैं। यहाँ जो माता रानी की मूर्ति थी वो तीनों दुर्गा माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता तीनों एक ही रंग में रंगी थी, जो कि नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण दिख रहा था। अभी आता है चौथे नंबर पे एग्रीको का पूजा पंडाल। एग्रीको पूजा पंडाल इस बार अपनी 75th एनिवर्सरी मना रहा है, तो ये काफ़ी भव्य बनाया गया। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है, कितने सुंदर कलाकारी की हुई है पूजा पंडाल के जो बाहर के वॉल है उस पर भी, और ये भी बहुत सुंदर है। चलिए अभी अंदर का भी मैं व्यू दिखाती हूँ आपको कि कैसा अंदर में है। यह सब जगह दुर्गा माँ की अलग अलग रूपों को दिखाया गया है, यहाँ जो पंडाल के वॉल्स बने हैं उसमें, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। काफ़ी बड़ा मेला यहाँ लगा है, बहुत सारे झूला है यहाँ पे, और जो एंट्री गेट है वो अलग है, एग्जिट गेट के पास मेला लगा हुआ है। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 साल के बाद लग रहा था, और इसके लिए तो काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि एग्रीको पूजा पंडाल इस बार अपनी 75th एनिवर्सरी मना रहा है। ये पंडाल भी बहुत खूबसूरत है, आप लोग ज़रूर देखने आइए इसे भी। ये देखिए मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ, अंदर में इस तरह से बना हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। सेल्फी के लिए लोग परेशान हैं, बहुत सारे कॉर्नर बने हैं जहाँ पे आप अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हो और पूजा पंडाल की खूबसूरती को देख सकते हो। चलिए अब अंदर चलते हैं। महामारी मुझे जाबे आगेर पीठे पड़लो काटी पूजो होको जम जमाटी रुतुन साजे सेजेछे आकाश। और ये देखिए माता दुर्गा की प्रतिमा लक्ष्मी सरस्वती के साथ में, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। जय माता दी। और अब आता है 5th नंबर पे कदमा मैदान का पूजा पंडाल, जो कि जगन्नाथपुरी के मंदिर पे बेस्ड था। यहाँ भी बहुत सुंदर बना हुआ है पंडाल। ये देखिए जिस तरह से जगन्नाथपुरी के मंदिर में दीवारों पे जिस तरह से नक्काशी की गई है, जो कलाकृति बनाई गई है, उसके पोस्टर यहाँ पे बनाकर इस तरह से लगाए गए हैं। इसको बिल्कुल जगन्नाथपुरी के तरह बनाया गया है, उसकी रिप्लिका लग रही है। और ये भी पंडाल काफ़ी खूबसूरत है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में इसकी क्या खूबसूरती है, एंड माता रानी के दर्शन भी कराऊंगी यहाँ वाले भी पूजा पंडाल के आपको। यहाँ भी गाइस बहुत बड़ा मेला लगा है, इवन कदमा पूजा जो मेला है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितने भी मेला घूम रही हूँ, जितने भी मैंने पंडाल देखे हैं, उसमें ये सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में मैंने जो खासियत देखी है वो आपको मैं अभी दिखाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे और बहुत सारे जितने भी जमशेदपुर के अच्छे अच्छे पंडाल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, यहाँ के माँ दुर्गा की प्रतिमा कैसी है वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ के वॉल में कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, कितनी खूबसूरत कलाकृति बनाई गई है। सच में फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रियल लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, रेप्लिका बनाई गई है। काफ़ी खूबसूरत कलाकारी की गई है पंडाल के अंदर भी, और बाहर तो थी ही। ये देखिए कितना भव्य लग रहा है, ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ऊपर सीलिंग में भी देखिए कितनी सुंदर नक्काशी और कलाकारी की गई है। ये सामने माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। बोलिए फिर से एक बार प्रेम से दुर्गा माता की जय। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, ये पंडाल भी काफ़ी भव्य है। तो आप
जरूर यहाँ भी घूमने आइए। इसके बाद मैं आपको यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे एक्चुअली सबसे बड़ा मेला लगा है जमशेदपुर के। अभी इस बार मैंने जितने भी मेला देखे हैं सभी में ऑलमोस्ट एक जैसे ही झूले दिख रहे हैं। स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स वैसे ही हैं। आपके कॉर्नर्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप ज्वेलरी एंड हाउस होल्ड गुड्स खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ का जो एक स्पेशल अट्रैक्शन है वो है मौत का कुआं। 6 नंबर पे आता है टोला डोंगरी का पंडाल, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये हनी बी के थीम पे बनाया गया है। यहाँ भी मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हो वही सारे झूला यहाँ भी हैं। बच्चों के लिए काफ़ी इंटरटेनिंग है ये भी मेला, और यहाँ का पंडाल भी बहुत सुंदर है। जंपोलिन, ट्रम्पोलिन एंड कार, हेलीकॉप्टर सब मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बस वो बिजली झूला एंड मौत का कुआं आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको कदमा में देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा मेला जो है कदमा और बर्मा माइंस में लगा है। चलिए अभी मैं फ़िलहाल इसके अंदर चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि अंदर में ये पंडाल कैसा दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल ट्री जैसा, जंगल जैसा पूरा दिखाया गया है। ट्रीज़ बना हुआ है सामने बड़ा सा, और ट्रीज़ पे देखिए बीज के जो हाइव होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते को बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। ये देखिए हनी बीज उसमें बने हुए हैं। ये रहे यहाँ की माता रानी के दर्शन कीजिए, जय माँ दुर्गा। ये आउट, अभी हम लोग एग्जिट करेंगे और इसके बाद मैं आपको 7th पंडाल के पास लेके जाऊंगी अपने वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। ये आउट गेट से मैं बाहर आई हूँ एग्ज़िट गेट से, एंड यहाँ पे एग्ज़िट गेट के पास यहाँ भी मेला लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर मेला लगा है यहाँ भी। अभी मैं 8th नंबर पे आई हूँ सिद्धगोड़ा का पूजा पंडाल, ठीक है। ये देखिए ये कितना सुंदर है, ये शिव जी के मंदिर जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति को दिखाया जा रहा है, नंदी बाबा बने हुए हैं और हर एक जगह पे जो है शिव भगवान की मूर्ति बनाई गई है। आगे में भी इसमें भी ट्री है, एक गुफा जैसा बना हुआ है, और गुफा मतलब पहाड़ के ऊपर एक टेंपल बनाया हुआ है, उस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और ये गुफानुमा पंडाल था, मेरे साथ इच्छा छोटी थी और काफ़ी भीड़ था, इसलिए सॉरी गाइज मैं अंदर नहीं जा पाई, काफ़ी भीड़ है सप्तमी का दिन है। तो ये 8th नंबर पे मैं आपको पूजा पंडाल दिखा रही हूँ बिष्टुपुर के एल रोड का, जो कि काफ़ी सुंदर है, बिल्कुल राजमहल जैसा लग रहा है। ये देखिए एकदम गोल्डन लग रहा है देख करके। ये भी पूजा पंडाल काफ़ी सुंदर लगा मुझे, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे काफ़ी स्पेसियस है और खाली लगा बच्चों के लिए। यहाँ भी इंजॉयमेंट के लिए झूला है, छोटे छोटे झूले हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर झूला है। यहाँ भी नाव और जंपोलिन, ट्रम्पोलिन ये सब मैंने देखा था। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सारे पंडाल के ब्लॉग्स को मैं कंप्लीट अलग अलग अपलोड करूंगी, जो कि मेरे चैनल पे 2-3 अपलोड भी हो चुके हैं, तो आप मेरे वीडियोस को मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। ये है 9th नंबर का जो है, ये है गोल पहाड़ी लोको कॉलोनी का। ये पूजा पंडाल भी काफ़ी खूबसूरत है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये है 10th नंबर पर मैं आपके सामने लेके आई हूँ हमारी तुरामडी कॉलोनी का पूजा पंडाल। ये देखिए हमारे यहाँ कितनी सुंदर लाइटिंग की गई है। मैं इसे ये नहीं बोलूँगी कि ये जमशेदपुर के टॉप 10 पूजा पंडाल में आता है, लेकिन ये हमारी कॉलोनी का है और मेरे लिए तो ये बेस्ट पूजा पंडाल है, क्योंकि हमारा लोकल है, ये हमारी कॉलोनी का है। ये पंडाल भी काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है। ये देखिए यहाँ की लाइटिंग भी काफ़ी खूबसूरत है, आपको ये लाइटिंग ज़रूर पसंद आएगी। और चलिए मैं अभी आपको अपने जो पंडाल है उसको दिखाती हूँ। यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है फ्रेंड्स, दूर दूर से यहाँ भी लोग देखने आते हैं। ये सुंदर नगर से थोड़ी दूर पे तुरामडी में है। ये रहा हमारा पूजा पंडाल। तो गाइज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको जमशेदपुर के टॉप 10 पूजा पंडाल्स दिखाए। सभी पूजा पंडाल्स में फेयर्स और झूला लगा हुआ है, एक जैसे ही झूले हैं। बर्मा माइंस और कदमा में बिजली झूला लगा है, बाकी सब जगह बड़े वाले जो बिजली झूले हैं वो नहीं है। लेकिन नाव, ट्रम्पोलिन, जंपोलिन, बच्चों के लिए कार राइड एंड एरोप्लेन राइड्स ये सारे मिल जाएंगे आपको। ट्रेन राइड भी बहुत सारे पूजा पंडाल में मिला हुआ है। ये जो है आजकल फायर पैन और आइस पैन भी लगभग हर पूजा पंडाल में मुझे देखने को मिली, जितने भी पूजा पंडाल मैं घूम रही हूँ अभी। ये इप्सा यहाँ पे ट्रम्पोलिन में जंप कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ, इसके बाद इसने एरोप्लेन राइड किया है। तो आपको उम्मीद करती हूँ हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ,
बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ये सारे पूजा पंडाल जो मैंने आपको अभी एक साथ दिखाया, इन सब पूजा पंडाल के अलग अलग ब्लॉग्स शेयर करूंगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये यहाँ पे ईप्सा काफ़ी इंजॉय कर रही है। ये ब्रेक डांस है, ये भी बहुत जगह लगा है, जहाँ ज़्यादा स्पेस है उसी जगह लगाया। कदमा में देखा मैंने इसे, बर्मा माइंस में है। एंड आपको आदित्यपुर में मेला तो है, मतलब ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आदित्यपुर का जो मेला है वहाँ पे आपको हाउस होल्ड गुड्स मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है, बट वहाँ झूला नहीं है। झूला आपको कदमा में, बर्मा माइंस में, एग्रिको में और ट्विला डोंगरी में भी लगा था, ये सब जगह ही देखने को मिलेगा। और कदमा में जो स्पेशल अट्रैक्शन है वो है मौत का कुआं, जो कि कहीं और हमें देखने को नहीं मिला है, वो यहीं कदमा में लगा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मौत का कुआं देखने के लिए, तो कदमा पूजा मेला ज़रूर आओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। हम लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, उतना टाइम नहीं था हमारे पास। ये मैं लास्ट में आपको कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, जितने भी पंडाल्स थे टॉप 10 उनके, उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आ रहे होंगे। चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।